मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश की खबर में चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो गधे का मांस है वो 600 रुपए किलो बिक रहा है। मैं कह रहा हूं सरकार सबको नौकरी दे देगी तो सब नौकरी, जब सभी नौकरी करने लगेंगे तो इस देश के दूसरे काम कैसे होंगे। नमस्कार, मैं उरी तरणा और मेरे साथ है योगेश राणा। पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है और चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे अपने देश की, देश में क्या चल रहा है, आइए हम इस पर कुछ बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। दो दिन तक ये खूब ट्रेंडिंग में रहा। इस तरह दो दिन तक शोर मचाने से, हल्ला मचाने से क्या होने वाला है? देखिए, सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है, सोशल मीडिया पे क्या है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड सेट किया जाता है। मैं कह रहा हूँ सरकार सबको नौकरी दे देगी तो सब नौकरी, जब सभी नौकरी करने लगेंगे तो इस देश के दूसरे काम कैसे होंगे। और इन लोगों को भी सरकार, दरअसल क्या है, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आ गई है, सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि सरकार को दो काम एक साथ करने हैं, सरकार भी चलानी है और देश में चुनाव भी लड़ने हैं। हमारे देश का जो गृह मंत्री है, अब उसको चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, मीडिया में खबर आती है बीमार है, बीमार है तो भी लगा हुआ है, अब बंगाल में लगा हुआ है, अब बंगाल में वहाँ ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो देश में क्या चल रहा है इस पे तो बात हो ही नहीं रही कहीं देश में क्या चल रहा है। और देश में क्या चल रहा है, मुझे पता था तुम इस तरह के सवाल करोगी, इस मैं लास्ट में जब तुम्हारी सारी बात खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा कि देश में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना लास्ट में देखना, मैं बताता हूँ देश में क्या चल रहा है, मैं वो दिखाता हूँ। अभी देश में क्या चल रहा है, मैं तो मैंने आज एक खबर पढ़ी, कमाल की खबर पढ़ी मैंने, ललन टॉप पे चल रही थी, मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश की खबर में चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो गधे का मांस है वो 600 रुपए किलो बिक रहा है। अब वो उसमें कह रहे हैं कि गधे का मांस जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो आपकी पावर बढ़ाता है। अब देश में तो गधे चल रहे, देश में तो गधों की कीमत बढ़ रही है, एक गधा 15,000 से 20,000 रुपए का खरीद रहे। अब मुझे नहीं पता, चलिए हम गधे के टॉपिक को थोड़ा बंद कर देते हैं। तो देश क्या है, ज्यादा हो जाएगा, देश में गधे की कीमत चल रही है, देश में किसान आंदोलन भी तो चल रहा है, देश में ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए किसान आंदोलन का मुद्दों की बात है, मतलब किसान आंदोलन गंभीर मुद्दा है। एक चीज बताइए, मेरे घर में कोई चीज रखी हुई है, जमीन मेरी है ना, मेरे घर में कोई चीज रखी है और उसकी मान लीजिए बाजार खड़ा होता है, बाजार घर के बाहर मेरे खड़ा होता है और घर के बाहर खड़ा होकर उसकी कीमत लगाता है मान लो, और कीमत लगाने के बाद मेरे हाथ में मान लीजिए ये टैबी है तुम्हारा और मेरे घर के बाहर खड़ा होकर कहे कि 5,000, 10,000, 20,000 में खरीदूंगा मैं, अरे मेरी मर्जी है ना मैं बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। अगर मेरे घर के बाहर खड़ा होकर मेरी किसी चीज की कोई कीमत लगा रहा है, मेरे किसी कच्चे माल की कीमत लगा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, भाई आप ये बताओ, आप दूध बेचते, दरअसल ये क्या है, देश में सचमुच कुछ नहीं चल रहा है। मान लीजिए मैंने भैंस बांध ली, आप भैंस और जमीन दोनों को एक चीज मान के चलो, मैं दूध बेचता हूँ, 5 दूधिया आते हैं जो मुझे सही रेट देता है, मैं उसको दूध बेच देता हूँ, वो ऐसा करता है कि कंधे में गाय, मेरी भैंस और गाय भी उठा के लेके चला जाता है, वो क्या है, दूध ले रहा है ना मेरा भाई, वो फावड़े लेके आएगा और जमीन खोद के ले जाएगा। इस बात से पता चलता है कि देश में और मनमानी चल रही है। मैं बताऊं देश में क्या चल रहा है, देश में आप समझो राकेश टिकैत राजस्थान, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, आज तो मैं खबर पढ़ रहा था कि उत्तराखंड भी जाएंगे और उत्तराखंड के साथ तेलंगाना भी जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। दरअसल क्या है, दो चीजें, एक आपका मोटिव क्या है वो दिखाने का, दूसरा मोटिव क्या है कि आपके भीतर क्या है, अब उसको चुनाव लड़ना है। अभी उसने कहा बोले कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, वो किसान मोर्चा कह रहा है बोले कि कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा भैया, वो अपनी बात अपने तक संभाल के रख के देश में चल रहा है कि सब अपने तो मतलब साध रहे हैं सब, हर कोई देश में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है देश में है। आप ललन टॉप की खबर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा देश में क्या चल रहा है, गधे के रेट। आपका कहना है कि देश में बेबुद्धों की बात हो रही है, आज भी ट्विटर पर जॉब की बात हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए जॉब की बात हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन है क्या जो ग्राउंड रियलिटी है, ये जो ट्विटर के हैशटैग वगैरह वगैरह है ना, इसका पता ऐसा नहीं है, ये माहौल नहीं बनाते, ये माहौल बनाते हैं देश में, लेकिन जो आम आदमी है जिसको जरूरत है चीजों की उस तक नहीं पहुंचते, ये कुछ हजार लोग हैं और कुछ हजार लोग एसी कमरे में बैठ के ट्रेंड सेट करते हैं और सुबह ट्रेंड सेट करके रात को चाय वाय पी के मस्त होके बिस्किट विस्किट खा के कहते देखा
इतने हजार रीट्वीट हो गया, अरे आप रीट्वीट हुए अगले दिन कुछ और हो जाता है। आज मोदी ने मन की बात की, अब झट से ट्रेंड चल गया मन की बकवास। अब थोड़ी देर बाद देखिए मन की बात पर कुछ और चल जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं। ट्रेंड सेट करने से ऐसा नहीं है जनता का मन बदलता है, जनता में असर जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, देश में जो चल रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। देश में चुनाव चल रहे हैं, केवल और केवल चुनाव चलते रहते हैं। और आम दुनिया, आम जनता, रोजगार वाले और किसान लोग, ये सब इन सब चीजों को नहीं समझ। अब बीजेपी की मजबूरी, अपने मुद्दे लेकर खड़े हैं। अब बीजेपी देश में सरकार चले या चुनाव लड़े, अगर वो सरकार चले तो चुनाव हारने लगेगी, और अगर वो चुनाव जीते तो सरकार चलानी मुश्किल है, क्योंकि देश में फिर राम चल रहे, देश में हनुमान चल रहे, देश में फिर क्या चल रहे, देश में अल्लाह चल रहे। और एक और कमाल की बात चल रही है देश में, मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बात, मैं अगर कहूं मन की बात, मैंने, हम तो बहुत मन की बात कहते हैं, मन की बात पे किसी को कभी भरोसा नहीं आता। मन से संवाद किया जाता है, मैं कहने लगा मेरे मन में है मैं ऐसा कर दूं, मेरे मन में है ऐसा कर दूं, मन में करने से कुछ नहीं होता ना, आप समझिए। जो रोजगार की बात कर रही थी तुम, रोजगार पहले बार जब ये आए तो इन्होंने कहा, बोले कि देश में रोजगार है, सब कुछ है, युवा है हमारे पास, नौकरी है, लेकिन स्किल नहीं है। इन्होंने कहा लोग स्किल सुधारेंगे। अब स्किल सुधारने के लिए इन्होंने एक मंत्रालय बना दिया। उसके बाद दूसरी बार आए, कहने लगे, बोले कि सब कुछ है भैया, ये पढ़ाई गलत है, ये पढ़ाई का तरीका गलत है, हम एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे, एजुकेशन सिस्टम। अब कल आके कहेंगे, बोले कि युवा ही गलत है, इनको बदलो। तो देश में क्या है, मन की बात की बजाय मन से संवाद होता है। आप भीतर की तरफ संवाद करेंगे, आप बोले मन में क्या है। तो इसीलिए देश में क्या चल रहा है, देश में कुल मिलाकर ये निकलता है कि देश में सबके मन की बात चल रही है। हर कोई अपने मन की कर रहा है, हर कोई अपनी मन की बातें कह रहा है, हर कोई अपनी मन की बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो सुन कितने लोग रहे हैं ये ऊपर वाला जाने। देश में मनमानी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ देश में क्या चल रहा है, आप ये वीडियो देखिए, चलते चलते देखिए कि देश में चल क्या रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ में आएगा कि देश में क्या चल रहा है। खान,